यूपी के सीतापुर में छोटा परिवार सुखी परिवार की परिकल्पना शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माहौली में चरितार्थ होती दिखी। बच्चों के भविष्य को देखते हुए जागरूक महिलाओं ने अपनी नसबंदी कराकर अपने परिवार को खुशहाली की ओर ले जाने का काम किया। सुबह से ही सरकारी एम्बुलेंस से नसबंदी कराने वाली महिलाएं सीएचसी पहुंचने लगी थी। इसके बाद सीतापुर से आए चिकित्सक ने नसबंदी का काम शुरू किया। वहीं सीएचसी प्रभारी ने नसबंदी कराने वाली महिलाओं और उन्हें प्रोत्साहित करने वाली एनएनएम आशा बहु की जमकर सराहना की है। सीएचसी प्रभारी संतोष चौधरी ने बताया कि महीने में 2 बार यहां पर नसबंदी शिविर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 8 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, जिनकी संख्या अभी बढ़ सकती है। रजिस्ट्रेशन कराने वाली सभी महिलाएं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजीव द्विवेदी की देखरेख में नसबंदी की गई है। नसबंदी कराने वाली महिलाओं को शासन स्तर से दी जाने वाली 2000 की धनराशि उनके खाता संख्या में भेज दी गई है। सीएचसी प्रभारी ने यह भी बताया कि नसबंदी के बाद महिला को 24 घंटे तक अस्पताल में रुकना होना होता है। उसके बाद 102 एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर पहुंचा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में अब तक लगभग 120 नसबंदी हो चुकी है, इनमें एक पुरुष नसबंदी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसी प्रकार से कैंप और भी लगाए जाए। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौली में महीने में 2 बार नसबंदी कैंप प्लान होते हैं, तो उसके अंतर्गत आज 24 अगस्त को हमारे यहाँ नसबंदी कैंप प्लान है। अब तक 8 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये संख्या आगे और भी बढ़ने के आसार हैं। नसबंदी कैंप में नसबंदी डॉक्टर राजीव द्विवेदी सर करते हैं, जो आ चुके हैं, कैंप की तैयारी में लगे हुए हैं। इन नसबंदी करने के बाद इन महिलाओं को या पुरुष को जो भी पेशेंट होते हैं उनको 24 घंटे यहाँ पे भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद दवा इंजेक्शन सब देने के बाद 24 घंटे बाद 108 या 102 एम्बुलेंस से उनको अपने घर तक पहुँचा जाता है।